शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक डेढ़ घंटे में सुबह हो जाएगी। ए कौन है? ए लड़की ये क्या कर रही है? ए लड़की, अरे रुको मैडम। ए लड़की ये क्या कर रही है? सुनते क्यों नहीं? मैडम गिर जाओगी। अरे रुको मैडम। दरवाजा खोलिए लड़की। खोलो। ओ लड़की दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो मैडम, दरवाजा खोलो। तोड़ दूँ क्या? तोड़ दो। और जोर से मार। चला जा। अरे यहीं पे तो खड़ी थी, कहाँ गई? कहीं तो नहीं गई? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, उधर देखते चल। उधर गई तो कहाँ गई? कोई भी नहीं। जी सर, मैंने फोन किया था। ये डेड बॉडी कहाँ है? सर वो ऊपर टेरेस पे है। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? सर ऊपर टैंक में। टैंक में? सर वो लाश ऊपर टैंक में है। लाश टैंक में है? चलो देखते हैं। ये देखिए बॉडी को बाहर निकालो। सर
संभल के रहो। ये तो प्रियंका मैडम है। ये प्रियंका है? हाँ साहब, इसी बिल्डिंग में रहती है, छठे माले पे। नहीं सर, ये सुसाइड नहीं है। ये देखिए, लगता है इसके साथ जोर जबरदस्ती की गई है। मतलब पहले किसी ने इसे मारा और फिर वाटर टैंक में फेंक। क्या तुम जानते हो ये प्रियंका काम क्या करती है? कॉल सेंटर में काम करती थी, रात में जाती थी और सुबह 5 बजे वापस आती थी। कॉल सेंटर? तो इसका मतलब है प्रियंका के घर लौटने के बाद आधे घंटे के अंदर प्रियंका का किसी ने खून कर दिया, और वो भी टेरेस पे लाके। सर, सर वो ऑफिस से सीधे टेरेस तो नहीं आई होगी, अपने फ्लैट में भी गई। हाँ, किसी ने तो प्रियंका को यहाँ टेरेस पर लाया होगा। एक काम करते हैं, प्रियंका का फ्लैट चेक करते हैं। के इरादे से नहीं आया था। जरा इस फोटो को देख, क्या तुम जानते हो ये लड़का कौन है? ये तो रोनित साहब है, प्रियंका मैडम के सबसे अच्छे दोस्त। क्या ये यहाँ आते रहता था? अक्सर आते रहते थे सर, बल्कि रोज एक चक्कर लगाती थी। ये रोनित अकेले आता था या प्रियंका मैडम के साथ? कभी कभी प्रियंका मैडम के साथ आते थे तो कभी कभार अकेले भी आते थे। घर की एक चाबी उनके पास भी होती है। क्या नाम बताया इसका? रोनित है ना? जी सर। क्या तुम लोग जानते हो ये रोनित रहता कहाँ? नहीं सर, हमें नहीं मालूम। पता करो ये प्रियंका किस कॉल सेंटर में काम करती थी। प्रियंका और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और कुछ दिनों पहले तो हमने रूम भी साथ में शेयर किया था। मुझे समझ में नहीं आता सर, उस बेचारे का खून कोई क्यों करेगा? आप किसी रोनित नाम के लड़के के बारे में कुछ जानती हैं क्या? जी, रोनित सर इसी कॉल सेंटर में काम करते हैं। इसी कॉल सेंटर? सर, रोनित आज ऑफिस नहीं आए। मैं उसे फोन पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी कर रही हूँ लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रोनित के बारे में कुछ और बता सकती हैं? मेरा मतलब है, रोनित और प्रियंका वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे या? रोनित और प्रियंका की एंगेजमेंट हो चुकी थी, अगले महीने दोनों शादी करने वाले थे। और
उस बेचारी ने तो नया घर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए भी जमा कर दिए। इसका मतलब है, वो पैसे प्रियंका ने घर लेने के लिए जोड़े हुए थे। पर सर, हमें प्रियंका के घर में से सिर्फ 15 लाख रुपए ही मिले थे। तो हो सकता है वो 5 लाख रुपए उसी ने चुराए हो जिसने प्रियंका का खून किया। नहीं सर, अगर पैसों के लिए खून होता तो वो 15 लाख रुपए क्यों छोड़ता? पैसे तो पूरे के पूरे उठा लेते। वही तो। सुनिए, क्या प्रियंका की किसी के साथ दुश्मनी वगैरह थी? ध्यान से सोचो, किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, कोई कहा सुनी हुई हो। चंदू सर, हमारे कलीग था चंदू, बहुत ही फ्लर्ट टाइप का लड़का था। ऑफिस की सारी लड़कियां उससे परेशान रहती थी। अभी कुछ ही दिन पहले राधिका और प्रियंका ने एचआर डिपार्टमेंट में उसके खिलाफ कंप्लेन की थी, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर क्या हुआ? चंदू ने यहाँ से जाते वक्त उन दोनों को बहुत बुरी बुरी गालियां दी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चंदू ने ही प्रियंका का खून किया बदला लेने के लिए? हो सकता है। इस चंदू का पता लगा। सर, नमस्ते। तुम अभी अंदर खड़े थे ना? जी सर, मैं इस कॉल सेंटर की कैंटीन का वेटर हूँ। सर, मैं इस केस में शायद आप लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ। ओ? क्या जानते क्या इस केस के बारे में? सर एक कल ही की बात है। कल प्रियंका मैम और राधिका मैम साथ में बैठे हुए थे कि अचानक किसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। ये क्या करती है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रौनित का पीछा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मेरी और उसकी शादी होने वाली है, समझी तुम? बेचारा रौनित, उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी अगर वो तुमसे शादी करे। रौनित के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके फैसले वो खुद कर सकता है। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लिसन मिस प्रियंका, रौनित तुमसे कभी भी शादी करने वाला नहीं। तुम सपने देखते हो उसकी बीवी बनने, तुम तो उसकी घर की नौकरानी तक बनने के लायक नहीं हो। राधिका मैम ने रौनित सर को फोन किया और वो वहां से चली गई। राधिका इस वक्त अंदर ऑफिस में है? नहीं सर, मैम ऑफिस नहीं आई होगी। वो आती तो उनकी गाड़ी यहीं पार्क होती, वो अपनी गाड़ी हमेशा यहाँ पार्क करती है। ये राधिका का पता जानते हो? यस सर, वर्सोवा प्रिंसेस साइड। राधिका ताला लगा हुआ है, राधिका यहाँ भी नहीं। वॉचमैन से पूछते हैं सर। चलो। अरे सुनो भाई, इधर आ। ये जो राधिका मैडम यहाँ रहती हैं, उनको देखा है क्या? घर पर ही होंगी। घर पर नहीं है, दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। शायद यहीं कहीं गई होंगी क्योंकि उनकी कार तो यहीं खड़ी है। कौन सी कार? वो काली वाली। फ्रेडरिक्स, जरा देखो। ये राधिका मैडम को कब देखा था तुमने? कल ही देखा था। कल कब देखा था? कल सुबह जाते वक्त। प्रिडिक्स,
साहब ये तो राधिका मैडम है। क्या? ये राधिका मैडम? हाँ साहब यही तो है राधिका मैडम। चाकू से मारा है इसे। लगता है इसे मरे हुए दो तीन घंटे से ज्यादा हो गए। ये गाड़ी यहाँ कौन लेकर आया था तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम। क्या हुआ? तो ये देखिए यहाँ पे चलो। ये क्या बकवास है? और आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे आ रहे हैं? ये नाच गाना देखने का लाइसेंस है हमारे पास, समझे तुम? हाँ बोलिए क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हें व्हाट? चलो। अरे ये क्या मेरी आंखें? प्रियंका और राधिका का खून क्यों किया तुम? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं प्रियंका और राधिका का खून क्यों करूंगा? इसे पहचानते हो? तो ये राधिका की कार में उसकी लाश के पास से मिला। क्यों मारा उसको? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। हमने नहीं मारा। नहीं। तो ये आई कार्ड उसके कार में क्या कर रहा था? अपने आप चल के पहुंच गया? या राधिका को तुम्हारा आईडी कार्ड लेके घूमने का शौक है? सर, उस रात मैं राधिका से मिला था। वो अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। ये क्या तमाशा? उतर जाओ, मैंने कहा गाड़ी से उतर जाओ। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना, उतर जाओ। तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हारी और प्रियंका की वजह से मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो अब क्या करोगे? बदला लोगे? मारोगे? हाँ, मार दो। तो मेरा राधिका से झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन जब मैंने उसे मारा नहीं सर, मैंने तो सिर्फ उसे धमकी दी थी सर। कहानी अच्छी बना लेते हो तुम। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते सर? ये ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, दोनों लेके चलते हैं। वहां अच्छे अच्छे लोग अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं, समझे? चलो। नहीं सर, नहीं सर। सर, डॉक्टर नायला ने प्रियंका की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे दी है सर। इसका मतलब है प्रियंका की मौत पानी में डूबने की वजह से। सर इसमें हैरानी की क्या बात है? हमें तो लाश वाटर टैंक में मिली थी ना। फ्रेडरिक्स, प्रियंका की मौत वाटर टैंक में नहीं बल्कि बाथटब में हुई है। हाँ अभिजीत, बाथटब में। डॉक्टर नायला की रिपोर्ट बताती है कि प्रियंका के फेफड़ों में कुछ ऐसा केमिकल मिला है जो सिर्फ बाथटब के पानी में मिलता है। पर सर बाथटब में भी तो पानी उसी वाटर टैंक में से आता है। बिल्कुल सही है दया, लेकिन बाथटब में नहाते समय जो लिक्विड सोप या बॉडी शैम्पू डाला जाता है वो वाटर टैंक में नहीं मिलता। यानी प्रियंका की मौत उसके बाथरूम में हुई है। मतलब खूनी ने प्रियंका को बाथटब में डुबो के मारा, फिर बॉडी को टेरेस में ले गया और वहां लाश को वाटर टैंक में डाला। पर ये कैसे हो सकता है सर? वॉचमैन ने खुद उस रात प्रियंका को टेरेस पे देखा था। मतलब सर वो प्रियंका नहीं कोई और थी? हाँ, जब खूनी प्रियंका की लाश को वाटर टैंक में डाल रहा था तो उस वक्त वहां पे कोई और लड़की भी थी। अभिजीत लड़की नहीं, कातिल, कातिल। और जब वो वॉचमैन टेरेस पर पहुंचा तब वो कातिल वहीं पर छुपी हुई थी। इसका मतलब है सर प्रियंका के साथ जो कुछ भी हुआ उस बाथरूम में। हाँ।
फ्रेडरिक बात कब का पानी खाली करता मालूम था इस पानी ने जरूर अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपा के रखा होगा। ये तो किसी फ्लैट की चाबी लग रही है। सर, शायद इसी फ्लैट की चाबी है। हो सकता है। अभिजीत, मेन डोर को लगा के देखो। पर सर, वॉचमैन ने तो कहा था कि इस घर की दूसरी चाबी सिर्फ रोनित के पास होती है। अगर ये चाबी रोनित की है, तो ये चाबी बाथटब के अंदर क्या करे? इस सवाल का जवाब तो रोनित ही देगा। हाँ सर, मैंने अच्छी तरह से पता किया। ये अचानक गायब कहाँ? अपने जाने के घर से भाग गया। एक्सक्यूज मी, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? वो हम लोग रोनित को ढूंढ रहे थे। वो यही रहता ना? हाँ, वो तो पूरा गया। उसे अभी मैं ही तो छोड़ के आ रहा हूँ टैक्सी स्टैंड पर। टैक्सी स्टैंड? हाँ। वो बड़ा जरूरी काम था। ये टैक्सी का नंबर टैक्सी का नंबर मुझे कैसे मालूम हो सकता है सर? हाँ, फिर भी कुछ तो याद होगा। टैक्सी पर कोई निशानी? टैक्सी के पीछे वाले कांच पर हाँ? एक पोस्टर लगा हुआ है। कौन थी वो? हाँ, एक्ट्रेस शालिनी। शालिनी? पर आप लोग कौन हो भाई? हम लोग सीआईडी से हैं। अभिजीत, ये रोनित अभी भी ज्यादा दूर नहीं निकला होगा। एक काम करते हैं, पुणे हाईवे पे पकड़ते हैं इस भगोड़े को। जल्दी भगा, बहुत जल्दी भगा, मुझे जल्द से जल्द सुनना पहुंच, जल्दी भगा। सर वो देखिए, चालिनी का पोस्टर। सर उस टैक्सी को तेज चलाना यार। रुक। चलो। ये क्या कर रहे हैं? क्या? प्रियंका? किसने मारा मेरी प्रियंका को? तुमने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे तो पता भी नहीं था कि किसी ने प्रियंका को। बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। पहले प्रियंका को घर में घुस के मारा और अब यहाँ पे आंसू बहा रहे हो। सर मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ सर। मैं प्रियंका को क्यों मारूंगा? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और जल्दी हमारी शादी होने वाली है। मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा कि प्रियंका। ये देखिए सर, 5,00,000 रुपये इसकी बारी।
अब बताओ अब कौन सा नया बहाना बनाओगे? सर मेरे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? वो दरअसल तुमने पहले प्रियंका को मारा और फिर उसने जो पैसे इकट्ठा किए थे उसमें से 5 लाख रुपए लेकर तुम भाग गए। क्यों? मैंने प्रियंका को नहीं मारा सर। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? अब सब समझते हैं, समझे? सब समझते हैं। एक बात बताओ, प्रियंका के मरने से एक दिन पहले तुम्हारा और उसका झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ था या नहीं? हाँ सर। हाँ। वजह क्या थी? प्रियंका इसी महीने की 20 तारीख को शादी करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया और वो अगले महीने शादी करने के लिए राजी भी हो गई। मेरा यकीन कीजिए सर, प्रियंका को नहीं मारा। तो फिर ये 5 लाख रुपए तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? सर वो दरअसल काफी टाइम से मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और जब प्रियंका को इस बारे में पता चला तो उनके इलाज के लिए खुद उसने मुझे ये पैसे दिए। अच्छा, प्रियंका ने खुद पैसे दिए? अरे वाह, तो फिर प्रियंका के घर में घुसने के लिए तुम्हें इस डुप्लीकेट चाबी की क्या जरूरत पड़ी? डुप्लीकेट चाबी? हाँ डुप्लीकेट। सर मैं डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल क्यों करूं जबकि मेरे पास घर की ओरिजिनल चाबी है? घर की एक चाबी प्रियंका के पास रहती थी और दूसरी मेरे पास। ये देखिए। के पास प्रियंका के घर की ओरिजिनल चाबी है तो फिर ये डुप्लीकेट चाबी किसने बनवाई? एक काम करो, प्रियंका के घर के आसपास जितने भी चाबी बनाने वाले उन सब से पता करो ये चाबी किसने बनवाई है। ये चाबी हमें उस खूनी तक पहुंचाएगी। सुनो, इस चाबी को गौर से देखो, कुछ याद आ रहा है? ये चाबी तो मैंने बनाई। ये आप कैसे बता सकते हैं? अरे मैडम, इस पर जो गोली लिखा है ना, इस निशान वाली चाबी इधर सिर्फ मैं ही बनाता हूँ। ये देखो। अच्छा, बता सकते हैं ये चाबी आपसे किसने बनवाई थी? वो मैं कैसे बता सकता हूँ, दिन में 50 ग्राहक आते हैं, किस किस का चेहरा याद रखूं? अरे यार सुन, देख क्या है ना कि यार मैं CID से हूँ, अभी नई नई नौकरी लगी है, अगर तू कुछ बता देगा तो। अब बता, 2 दिन पहले कोई रिसोर्ट बिल्डिंग से आया होगा। रिसोर्ट? हाँ, वो नेशनल बैंक के सामने वाली बिल्डिंग। याद आया। कौन था? था नहीं, थी लड़की आई थी उस बिल्डिंग से। था वो चेहरा? हाँ, बिल्कुल यही था, यही लड़की थी वो साहब, बिल्कुल यही। सोनिया, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? नहीं सर, मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। रोनित, तुम तो प्रियंका के फियांसे हो, तुम तो उसके सारे दोस्तों को जानते होंगे, क्या इस लड़की को जानते हो? नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तुम तो बहुत सारी लड़कियों को काफी करीब से जानते हो ना, क्या इस लड़की से कभी मुलाकात हुई है? नहीं सर, इस लड़की से मेरा कभी पता नहीं। ठीक, तुम लोग जा सकते हो। ये लड़की है कौन? सर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि एक लड़की प्रियंका की पानी में डूबी हुई लाश को बिना किसी की मदद के
इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जा सकती है? सर ये किसी लड़की के अकेले का बस का नहीं, कोई ना कोई तो है जिसने इसकी मदद की। हो सकता है होने को तो कुछ और भी हो सकता है। विवेक स्केच को स्कैन करो। अब कुछ कलाकारी दिखाने का वक्त आ गया है। अब इसे लड़की से लड़का बन। मतलब अभिजीत इसके ये जो लहराते हुए लंबे बाल है ना, उन्हें लड़के जैसे बना, और इसकी ये जो आईब्रोज है थोड़ा पतला हो जाएगा सर। अच्छी तरह से ध्यान मारो, जल्दी विवेक उधर जाओ। सर ये देखिए क्या बना है। विंस सर। हाँ प्रदीप। जल्दी से छुप जाओ, जल्दी। Yeah!
माफ कर दो। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई लड़की मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। हर किसी को अमीर घर के लड़के पसंद थे और मैं ठहरा कैंटीन का मामूली सा वेटर। लड़कियां तुम्हारे पास नहीं आती थी तो लड़कियों के पास जाने के लिए तुम खुद लड़की बन। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं हर रात को लड़कियों की तरह कपड़े बनकर डिस्को तक जाने लगा और वहीं मुझे ड्रग्स की आदत लग गई। इसी चक्कर में मुझ पर बहुत कर्ज चढ़ गया। और फिर तुम्हें पता चला कि प्रियंका के पास 20 लाख रुपए हैं, है ना? हाँ। फिर मैंने प्रियंका के घर की चाबी चुरा के उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाई। मैं जानता था प्रियंका रोज रात नाइट ड्यूटी पर जाती है, इसीलिए उस रात में पैसे चुराने उसके घर गया। लेकिन पर वहां तो मैं प्रियंका में, मैं प्रियंका को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और प्रियंका के रहते मैं वो पैसे वहां से नहीं ले जा पाता। और चालाकी भी काफी दिखाई दी प्रियंका को बात करने डुबो के और फिर लोगों को बहकाने के लिए उसकी लाश को टेरेस पर लेकर गए। लेकिन वहां गलती से कुछ गिर गया तो वॉचमैन की नजरों से बचने के लिए तुमने प्रियंका की लाश को वाटर टैंक में फेंक दिया ताकि लोगों को लगे कि प्रियंका ने आत्महत्या की है। राधिका को क्यों मारा तुमने? क्योंकि राधिका ने मुझे देख लिया था। एक खून को छुपाने के लिए तुमने दूसरा खून कर दिया। अब जिंदगी भर तुम्हारे ये हाथ जेल की चक्की में से। हेलो CID ब्यूरो, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जाना माना गैंगस्टर जगन जेल से भाग गया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो ऑर्बिट मॉल के पार्किंग लॉट में जाकर देखिए, वहाँ आपको 6 नंबर के इलेक्ट्रिक बॉक्स में 1 लाख रुपए मिलेंगे। देखो जरा इलेक्ट्रिक बॉक्स नंबर 6 कहां पर है, जल्दी। हाँ, बॉक्स यहाँ पे। क्या हुआ फ्रेडरिक्स? बॉक्स। मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ। दे संभल के सर, संभल के। ₹1,00,000 लग तो रहे हैं सर, इसमें कार्ड भी है। देखो जरा, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। जगन। जगन यानी वो लड़की जो कह रही थी सही कह रही थी।
पर सर ये भी तो हो सकता है कि ये उस लड़की का ही कोई नाटक हो। इसी भी प्रद्युमन या हाँ मालूम है, मुझे पता चल गया है। सारे चेक पोस्ट को अलर्ट करो, हर आने जाने वाली गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो, जगन हाथ से निकलने न पाए, समझे? क्या हुआ सर? ये पैसे जगन ने यहां रखे, जेल से फोन था कि जगन वाकई जेल से भाग गया। एक मिनट, पहले चारों तरफ देख लो घर में कोई है कि नहीं। लग तो रहा है घर में कोई नहीं है, दरवाजा तोड़ देते हैं। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या चाहिए आप लोगों को? जगन का पता। जगन साहब? कौन कौन रहता है यहाँ इस घर में? यहाँ तो मैम साहब रहती है, वो भी अकेली। ये तुम्हारी मैम साहब? जी साहब। अभी कहाँ है वो? कहीं बाहर गई है। बाहर कहाँ गई है? पता नहीं साहब, वो एक फोन आया था और फोन टकर के जल्दबाजी में कहीं बाहर निकल गई, लेकिन कहाँ गई है पता नहीं साहब। किसका फोन था? बोलो किसका फोन था? जगन साहब का। जगन का फोन? कितने बजे आया था? अभी से 2 घंटे पहले, लगभग 12 बजे आया था सर। फोन रख करके मैडम कहीं बाहर निकल गई। लगता है ये दोनों मिलकर कहीं भागने के चक्कर में है। अगर ऐसा तो काफी दूर निकल गए होंगे, 2 घंटे बीत चुके हैं। तुम्हारे मेम साहब का मोबाइल नंबर दो जल्दी। जी साहब। 9000014357 सर। सेल फोन कंट्रोल टावर, हमें सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। हमें एक मोबाइल नंबर की लोकेशन को ट्रैक करना है। नंबर है 9000014357। या आप इसकी लोकेशन हमें बताते रहिए, हमारे ऑनलाइन मैप पे भेज दीजिए आप। करेक्ट, जल्दी जल्दी प्लीज। थैंक यू वेरी मच विवेक सर। रेडी रहो, ये ऑनलाइन मैप पे वो नंबर आने वाला है। ओके सर। यस सर, ये नंबर ट्रैक हो गया है सर। फैंटास्टिक, इस वक्त कहाँ है वो? ओह नो। ओह नो, क्या हुआ? सर ये नंबर भी ऑर्बिट मॉल के पार्किंग लॉट में ही है सर। ऑर्बिट मॉल पार्किंग लॉट में? इसका मतलब है जगन की बीवी वहीं होगी ऑर्बिट मॉल पार्किंग लॉट में, तो जगन भी वहीं पर होगा। सर जल्दी से ऑर्बिट मॉल पार्किंग लॉट में ले। और विवेक सर, जैसे हम लोग उतरे तुम हमें उनके मूवमेंट्स के बारे में बता दे रहे हो। जी सर। एंड बी अलर्ट। जल्दी मनसी को ढूंढो, जल्दी फैल जाओ सब लोग, ढूंढो जल्दी। सर वो घूम रही है सर, इधर से उधर, शायद वो अपने पति जगन को ढूंढ रही है। ओके। विवेक, बता सकते हो इस वक्त कहाँ है वो? वो इस वक्त पार्किंग लॉट के बिल्कुल बीच में कहीं है सर। अरे यहाँ पे कहाँ पे हैं? सर एकदम बीचों बीच में। बीच में? मतलब जगन कहाँ है? जगन कहाँ? जगन मैं नहीं जानती, वो कहाँ है मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा जानती नहीं हो? अब तुम ये कहोगे कि तुम यहाँ घूमने आई हो। देखो सच सच बताओ, कहाँ है जगन?
हमें सब मालूम है, समझी? तुम यहाँ जगन से मिलने आई हो? हाँ, मैं यहाँ उससे मिलने आई थी। मैं यहाँ जगन से मिलने ही आई थी, लेकिन वो यहाँ कहाँ है? मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो। मैं सच कह रही हूँ, जगन ने खुद मुझसे फोन करके कहा था कि वो क्या? कि वो जेल से भाग आया है और मुझसे मिलना चाहता है। उसी ने मुझसे यहाँ ऑर्बिट मॉल के पार्किंग में इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास खड़े रहने के लिए कहा था। इलेक्ट्रिक बॉक्स? क्या उसने पैसों के बारे में कुछ बताया तुम्हें? पैसे? हाँ पैसे, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए? लेकिन जगन तो जेल से भागा है, उसके पास 1,00,000 रुपए कहाँ से आएंगे? देख सर, इसकी गाड़ी की डिक्की चेक करो। सर। हाँ विवेक। सर, गोरेगांव फ्लाईओवर के पास एक गनी बैग मिला है सर, और उसमें से खून बह रहा है सर। गनी बैग में से खून? यस सर, शायद कोई लाश ही होगी सर। चलिए चलिए हटिए, क्यों तो पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग थोड़ा। देखो जरा, सर ये तो जगन ही है। जगन? जगन को किसने मारा इतनी बेदर्दी से? लोगों का खून करने वाले का ही किसी ने खून कर दिया? सर जगन जैसे खूनी को छूने की हिम्मत कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता। पर सर जिसने भी ये किया है वो जानता था जगन फरार हो चुका है और पुलिस से छुपा फिर रहा है, तभी तो मार दिया। नहीं तो वो दो लोग हैं सर जिनको पता था कि ये जगन जेल से भाग गया है। एक तो इसकी पत्नी मानसी, और सर दूसरी वो लड़की जिसने हम लोग को फोन किया था। फ्रेडरिक्स, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए, और उस लड़की को ढूंढने का बस एक ही तरीका है। उसने अपने पत्नी को फोन करने के एकदम ठीक पहले या एकदम उसके बाद उस लड़की को फोन किया होगा। सर, सर ये तो कंफर्म है, जगन ने अपनी वाइफ को फोन किया था। कहां से फोन किया था, है नंबर? यस सर, पीसीओ से किया था। उस पीसीओ से जितने भी फोन किए गए सबके नंबर है, और ये घर का नंबर है सर। मानसी से पहले जो नंबर डायल हुआ है वो है 9002365825, और उसके बाद जो नंबर डायल हुआ है वो है 9833120673। गुड, अब जल्दी से पता लगाओ ये नंबर किस किस के हैं, अपने कंप्यूटर में डाल कर दे। नंबर तो किसी शमशेर का है। नहीं छोड़ो उसे, हमें आदमी से नहीं लड़की से मतलब है। दूसरा नंबर देखो। ये लड़की का नंबर है सर, इसका नाम है शालू। शालू? शालू इसका मोबाइल नंबर है ना? मोबाइल कंपनी से पता करो कि इस वक्त ये मोबाइल कहां है। समझ में नहीं आ रहा है, जब से मैंने पेपर में पढ़ा कि किसी ने जगन को मार दिया है तब से मुझे डर लग रहा है कहीं पुलिस मुझ तक ना पहुंच जाए। अब डरने से क्या फायदा है? शालू, आप शालू हैं? जी हाँ,
लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। देखिए आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए आप लोग। आप आइए इस तरफ आइए मुस्कान। लेकिन मेरे समझो। चलिए इधर। हाँ तो जगन के बारे में फोन किसने किया था? जी आप इस लड़की को कब से जानते हैं? मैंने किया था। जब जगन का खून किया था तो पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत? मैंने जगन को मारा? नहीं मैंने उसे नहीं मारा। वो मैंने तो इसलिए फोन किया था ताकि मैं आपको बता दूं कि वो भाग गया है। ठीक है जगन भाग गया था तो तुम्हारे पेट में इतना दर्द क्यों हुआ? वो इसलिए कि आ, बोलो क्या दुश्मनी थी तुम्हारी जगन से? सब जगन ने शादी का वादा मुझसे किया और शादी की उस मानसी से उस दिन हॉल में जब मैं जगन का इंतजार कर रही थी तो मैंने देखा कि मानसी भी वहां आ गई। मानसी? जी हाँ जब मैंने उसको देखा तो मेरा खून खौल उठा। तुम उस दिन जगन से नहीं मिली? जी नहीं उसके आने से पहले मैं वहां से चली गई थी। और मानसी? मानसी वहीं बैठकर जगन का इंतजार कर रही थी। तो इसका मतलब है कि तुम जगन से नहीं मिली और ना ही मानसी। तो उस वक्त जगन कहां पे था? हैं? क्या मालूम कहां पे था? पर किसी और को पता भी नहीं था कि जगन भाग गया। पता था। जिस आदमी ने जगन को जेल से भागने में मदद की थी उसी को पता होगा कि उस वक्त जगन कहां था। पहले यह पता लगाओ कि जगन जेल से भागा कैसे। ठीक है सर। अरे सुनिए सीसी कैमरा का फुटेज सीआईडी ब्यूरो को भेज दो। ड्यूटी खत्म होने के बाद तुम भी वहीं चले जाना। बाय। सर क्या सचमुच आपको ऐसा लगता है कि जगन मेन गेट से भागा होगा? अगर जेल के चारों तरफ सिक्योरिटी पर्पस से बिजली की तारें लगी हैं और जेल की कोई दीवार टूटी हुई नहीं मिली है तो इसका मतलब वो मेन गेट से बाहर गया होगा। देखते हैं जेल के क्लोज सर्किट कैमरे में क्या मिला है। कुछ मिला था? हाँ ये देखो। कौन है ये आदमी? सुबह 11 बजे जेल से बाहर जा रहा था। तो अब आगे देखो। वही आदमी दोपहर के 2 बजे फिर से बाहर जा रहा है। माय गॉड एक ही आदमी 2 बार? हाँ। ये कौन है इसे पहचानते हो? सर ये बीएम है जगन का डॉक्टर साइकेट्रिस्ट। जगन का साइकेट्रिस्ट बीएम। डॉक्टर साहब बड़ा इमरजेंसी केस है। पापा तो घर पर नहीं है। हाँ नहीं है? इनफैक्ट वो तो मुंबई से बाहर गए हुए हैं। हमारे पापा बहुत बीमार हैं। उनको दिमाग के दौरे पड़ते हैं। एक बार उनको दौरा पड़ जाए तो एक्चुअली वो हमें से किसी से नहीं संभल रहे हैं सिवाय डॉक्टर बीएम के। डॉक्टर बीएम एक ऐसे साइकेट्रिस्ट है जो उन्हें ठीक कर सकते हैं। प्लीज देखिए ये उनकी तस्वीर है। तरस खाइए हम पे। प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन जब वो यहाँ है ही नहीं तो आप ही चलिए ना। हाँ शायद आपको कुछ नॉलेज होगा। पापा के साथ रहते भी कुछ तो सीखा होगा आपने। आप चलिए। प्लीज चलिए ना प्लीज। क्या बदतमीजी है ये। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ। और अब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। आप अपने पापा को फोन कर सकती हैं पर जब तक आपके पापा हमें मिलने जाते हैं आप हमारी मेहमान बन के रहेंगे। चलिए चलिए चुपचाप। मैं बताती हूँ पापा कहाँ है। ये हुई ना समझदारी वाली बात। हाँ बताओ। पापा अभी अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि वो उनके साथ ही रहेंगे उनके घर पे। फिर
फ्रेंड के घर। कहाँ रहते हैं उनके ये फ्रेंड? रोज विला 23 जू गली। 23 जू गली। आप लोग कौन हो और ये क्या बदतमीजी है? देखो इसे, सीआईडी। सीआईडी? क्या चाहिए आपको? तुमने जेल से भागने में जगन की मदद क्यों की? जगन? कौन है ये जगन? जगन मेरा चाचा है, वो जेल से भाग गया, तुम्हारा भी दोस्त है। बोलो, मेरे चाचा को तुमने जेल से क्यों भगाया? हाँ बोलो, जेल से भागने में जगन की मदद क्यों की? ये जबरदस्ती आप लोगों ने जगन जगन क्या लगा रखा? चुप! दो मिनट के अंदर चोट नहीं खोली ना अभिजीत, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं दे, एक तो इसने जगन को जेल से भागने में मदद की, ऊपर से उसका खून कर दिया। बोल, खून किया कि नहीं? नहीं, मैंने जगन का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? ये मुझे नहीं पता किसने किया, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी उसकी मदद की थी जेल से भागने के लिए, बस। क्यों, जगन तुम्हारा रिश्तेदार था? नहीं, मगर उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए थे, इसलिए जब उसने मुझसे कहा कि हेल्प करो तो तुम्हें ना नहीं कर पाया। कैदी को जेल से भगा के बहुत बुरी तरह फंस गए हो तुम, एहसानों का बदला चुकाने चले थे। बाहर निकल के कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता उसके बाद वो कहाँ गया था, वाकई मुझे नहीं पता। जगन मेरे कपड़े पहनकर बाहर निकला तो था और मुझसे 2 लाख रुपए भी लेकर गया था। 2 लाख रुपए भी लेके गया वो? जी हाँ, कह रहा था 2 लोगों को देने हैं। कौन है वो 2 लोग? एक उसकी गर्लफ्रेंड और दूसरी उसकी बीवी। उसकी बीवी? मानसी? अपनी बीवी को भी पैसे देने वाला था? बस मानसी तो कह रहे थे कि वो जगन से मिली नहीं। चलो जरा मानसी के घर चलते हैं। ये इस तरह से घर में क्यों घुसे चले आ रहे हैं? औरत अगर घर में अकेली होती तो? हमें इस घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? जी। पर क्यों? आप कौन है? मेरा नाम मानिक है, मैं एक वकील हूँ। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। नहीं, बात करने का टाइम नहीं है, दे। ये रहा सर्च वारंट। ठीक है, देख लो, चलो तलाशी लो। एक छोटा सा ट्रांसमीटर मिला। फोन में था? हाँ सर, यहाँ पे। ये तो फोन टैप करने का सामान है। मतलब मानसी का टेलीफोन टैप किया जा रहा है। इसका मतलब कोई और भी था जिसे मालूम था कि जगन जेल से भाग गया है और वो मॉल में जा रहा है। सर, ये कोई जगन का दुश्मन भी हो सकता है। उसके तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं। हमें जगन का रिकॉर्ड चेक करना होगा। इस जगन का पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर निकालो, उसकी फैमिली, उसकी फ्रेंड्स, सब के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। और हाँ, पता करो उसकी जिंदगी में आज तक कितनी लड़कियां आई हैं। सुना है बड़ा दिल फेंक आदमी है। सर, आपको कैसे पता चला? कमाल करते हो दया, जिस आदमी को जेल से भागने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी पत्नी मिलने आती है वो आशिक नहीं है तो और क्या? हाँ सर, चांदी ही चांदी है। इस जगन की जिंदगी क्या है ये दिख रहा है सर। मैं
बहुत ही रंगीन मिजाज गैंगस्टर है ये जगन सर। जब से इसने अपना धंधा शुरू किया है तब से इसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई और गई। हाँ मगर इसमें से किसी न किसी पर तो उसका दिल टिका होगा। हाँ सर, ऐसी दो लड़कियां थी, काफी समय साथ में रहा इनके। जगन इन पर काफी मेहरबान था सर। इनमें से एक है शालू, 1.5 साल तक ये दोनों साथ में थे सर, और उसके बाद जगन को मिली मानसी। मानसी? ये मानसी जगन की पत्नी है ना? हाँ सर, शादी से पहले 3 साल तक जगन का इसके साथ चक्कर रहा। और देखो, अरे ये क्या? क्या है? मुरली। मुरली? ये मुरली कौन है? टेलीफोन इंजीनियर है, इसके बेटे का जगन ने खून करवा दिया था। मुरली, मुरली, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुरली ने ही बदला लेने के लिए ये सब किया है? हो सकता है सर, टेलीफोन इंजीनियर है तो मानसी का टेलीफोन टैप करके आवाज रिकॉर्ड करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और जब उसे पता चला कि जगन उस मॉल में आ रहा है तो उसने वहीं जाके उसका काम खत्म कर दिया। काम करो, इस मुरली के घर का पता निकालो। ऐसी उस जगन ने मेरे बेटे का खून कर दिया, मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझसे छीन लिया उसने। हाँ मगर तुमने जगन का खून किया कैसे? मैंने? हाँ, हम मिडिल क्लास लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और फिर मेरी एक बेटी भी है जो घर बैठी हुई है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा? ऐसी बिसा, एक बार खुद को मेरी जगह रखकर देखिए, अगर आपके बेटे का खून हो जाता तो आप क्या करते? उसका खून कर देते और अपनी जवान बेटी को सड़क में भटकने के लिए छोड़ देते? नहीं एसीपी साहब, बदला लेना इतना आसान होता तो लोग आपके पास क्यों आते? मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं मुरली जी, मगर हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। तलाशी? यह अच्छा कानून है? अरे जिसके बेटे का खून होता है उसी के घर में तलाशी, ये अच्छा इंसाफ है, अच्छा न्याय है। क्या हुआ फ्रेडिक्स? क्या मिला? चोर की दाढ़ी में तिनका मिला है सर, ये टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर? चला के दिखा। हेलो। हाय मानसी। जगन? जगन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम कहाँ से फोन कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो मानसी, मैं जेल से भाग आया हूँ। क्या? हाँ। ओके। और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी। ओके, ठीक है, पर तुम घर पे आओगे या नहीं? तुम जल्दी से एवन रेस्टोरेंट पहुँचना। टेप रुक क्यों गया? टेप खत्म हो गया सर, इसलिए आगे की बातचीत रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आगे की बातचीत रिकॉर्ड नहीं हो पाई, सुना तो होगा उसने। मुरली जी माफ कीजिए,
हमसे थोड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं साहब, ऐसा हो जाता है। और गलती से हमें आपके घर में एक टेप रिकॉर्डर मिला है और उसमें जगन की आवाज है। मैंने खून नहीं किया साहब, वैसे खून तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। तुमने जगन और मानसी की पूरी बातचीत सुनी और जब तुम्हें पता चला कि जगन ने मानसी को मिलने के लिए ऑर्बिट मॉल के पार्किंग लॉट में बुलाया है तो तुम वहां गए और किसी तरह तुमने उसे मरवा दिया। साहब साहब, मैं कभी ऑर्बिट मॉल नहीं गया और ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूं। अरे तो फिर आपने सुनी क्यों नहीं? टेप रिकॉर्डर तो तुम्हारे ही घर में था। विश्वास कीजिए साहब, जब ये फोन आया तो हम लोग घर पे नहीं थे, ना ही मैं और ना मेरी बेटी। हमें तो पता ही नहीं था कि कोई रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। कहां गए थे तुम लोग? एवन रेस्टोरेंट के बाहर। एवन रेस्टोरेंट? जी हाँ, वहां मैं जगन का इंतजार कर रहा था। ये जगन वहां आने वाला था, ये आपको कैसे पता लगा? साहब इस फोन से पहले एक फोन आया था जगन का, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। चलो सुन लेते। फ्रेडिक्स जरा सुनाओ। हेलो। हाय मानसी। जगन, जगन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम कहां से फोन कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो मानसी, मैं जेल से भाग रहा हूँ। क्या? हाँ। ओके। और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओके ठीक है, पर तुम घर पे आओगे या नहीं? तुम जल्दी से एवन रेस्टोरेंट पहुंचना। सर समझ में नहीं आ रहा, अगर जगन ने मानसी को इस रेस्टोरेंट में बुलाया था तो उसने अचानक अपना इरादा बदल क्यों दिया और वहां ऑर्बिट मॉल में क्यों चला गया? सच सच बताओ मुरली, क्या जगन एवन रेस्टोरेंट में आया था? आया था, मैं उसको खून करना चाहता था साहब, और जब मैं वहां पहुंचा तो शायद थोड़ी देरी हो गई थी। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो काफी गुस्से में था, एकदम भड़का हुआ। मैंने कोशिश भी की लेकिन ये जगन इतने गुस्से में गया कहाँ होगा? अभिजीत, जब पति अपनी पत्नी को बुलाए और वो वहां ना पहुंचे तब पति गुस्से में कहां जाता है? अपनी पत्नी के पास। करेक्ट, अपनी पत्नी से मिलने। हेलो। हेलो लच्छू। अरे साहब आप कैसे हैं? ठीक हूँ। मैडम है घर पे? मानसी मैडम, जगन साहब का फोन है। हेलो। हाय मानसी। जगन, जगन मुझे तो फिर से सुनते हैं कि तुम कहाँ से? हेलो। हेलो लच्छू। अरे साहब आप कैसे हैं? ठीक हूँ। मैडम है घर पे? मानसी मैडम, जगन साहब का फोन है। हेलो। हाय मानसी। जगन, जगन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम कहाँ से फोन कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो मानसी, मैं जेल से भाग आया हूँ। क्या? हाँ। ओके। और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभिजीत, तुम्हें इस आवाज में कुछ गड़बड़ नहीं लगती है क्या? तुम जल्दी से ये बार बार सुनने पे पता चलता है ये दूसरी आवाज किसी और की है। और एक बात और,
अगर इस जगन ने दोबारा फोन किया तो क्यों क्यों करेगा वो दोबारा फोन सर? एक बार फिर से सुनते हैं क्या? विवेक। यस सर। कैसे हैं? ठीक हूँ। मैडम है घर पे? मानसी मैडम, जगन साहब का फोन है। हेलो। हाय मानसी। जगन? जगन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो मानसी, मैं जेल से भाग आया हूँ। क्या? हाँ। ओके। और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी। ओके, ठीक है, पर तुम घर पे आओगे या? नहीं, तुम जल्दी से एवन रेस्टोरेंट पहुँचना। ये आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। सर मुझे भी ये कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ सर, मुझे भी। वही तो, हम सब लोग गलत नहीं हो सकते। पर वो है कौन? क्या इनमें से कोई है या नहीं? हमें उसे ढूंढना होगा। शायद मुझे मालूम है वो हमें कहां मिलेगा। ये क्या कर रहे हैं? अब जल्दी से बताओ, वो नकली फोन कॉल क्यों किया था तुमने? मकसद क्या था तुम्हारा? ए वकील साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, समझे? अब जल्दी से बताओ, जगन बनकर तुमने वो नकली फोन क्यों किया? मैंने कोई फोन नहीं किया। नहीं सर, ये ऐसे नहीं मानेगा। देखिए साहब, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया तो आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? तुम जैसे मक्कार लोगों के लिए मेरे पास और भी इलाज है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। बताओ, सब कुछ सच सच बताओ। तो तुम नहीं मानोगे। फ्रेडरिक्स, लाइट डिटेक्शन टेस्ट है। लाइट डिटेक्शन टेस्ट, जैसे ही ये केमिकल तुम्हारी खून में जाएगा तुम तोते की तरह बोलने लगोगे। विवेक, लगाओ इंजेक्शन। नहीं, हटाओ इसे। बताओ, बता दो, बता दो, बताओ। उस दिन जगन मानसी के घर आया था। मानसी, जब मैंने तुम्हें वहां बुलाया था तो तुम तो ये वजह थी तुम्हारी नाने की? मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो तुम? मैं वहां जेल में पड़ा सड़ रहा था और तुम मेरे ही दोस्त के साथ? मैंने बेचारी शालू को कुछ पैसे देने के लिए ऑर्बिट मॉल में बुलाया था और तुम्हारी वजह से मैं उससे भी नहीं मिल पाया। वाह, जवाब नहीं तुम्हारा, जवाब नहीं तुम्हारा, जवाब नहीं तुम्हारा। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? छोड़ दो मानसी को, मैं कहता हूं छोड़ दो उसे। तू तो छुपी रहे, शर्म यादी मुखते हुए। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने हम एक काम करते, हम इसकी लाश को कहीं दूर फेंक देंगे। मैं यहां से निकलते ही जगन के नाम से फोन करवाऊंगा। पहले तुम फोन मत उठाना, तुम अपने नौकर को फोन उठाने देना। इससे हमें एविडेंस मिल जाएगा कि जगन यहां कभी आया ही नहीं था, ठीक है? लेकिन मेरी तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसकी लाश को हम फेंकेंगे कहां।
मानिक, अगर हम जगन की लाश को वहां फेंके जहां जगन ने शालू को मिलने बुलाया था तो? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से गनी बैग लेके आओ, ठीक है? इसीलिए मैंने वो नकली फोन कॉल किया जगन बन के, ताकि आप उसे ट्रेस करते हुए हम तक कभी ना पहुंच पाओ। लेकिन मुझे क्या पता था कि कोई मानसी का फोन टैप करवा। प्लान अच्छा था मानिक, मगर इरादा गलत था। और अक्सर गलत इरादे के साथ बनाया गया किसी भी प्लान का नतीजा एक ही होता है, जेल। जगन के जाने से जेल में जो जगह खाली हुई है वो अब तुम दोनों भरोगे।